दोस्तों मेरे दोस्त को सपोर्ट करे, फॉलो करे है, फिर इसको लाइक करे। सभी दोस्तों अभी वो जा रहे हैं जो जिस काम का ऑल इंडिया राइड के लिए जा रहे हैं, सभी दोस्तों उनको सपोर्ट करे, बस यही चाहता हूँ मैं। सबैजना मतलब गोर्खा जति पनि ब्लगर हुनुहुन्छ, जति पनि युट्युबर हुनुहुन्छ, प्लिज 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 सपोर्ट गर्नुहोस् मलाई, ताकि मेरो जुन चाहिँ मोटिभ रहेको छ, मेरो जुन चाहिँ यो अल इन्डिया राइडको पछाडिको जुन चाहिँ उद्देश्य रहेको छ, त्यो उद्देश्य चाहिँ हरेक गोर्खा अगोर्खाको कहाँ पुग्न सकोस्, प्लिज मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। हेलो गाइस, गुड मर्निङ, गुड मर्निङ। और गाइस, जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा, मैंने एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस डाला था, जो कि मैंने रिपोर्टर्स क्लब ऑफ मिरिक, जो कि मिरिक ब्रांच में मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से आप लोगों को पता चल चुका होगा, जी हाँ गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ कुछ ही दिन के अंदर में ऑल इंडिया राइड, जो कि मेरा ड्रीम राइड था। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि ऑल इंडिया राइड करूँ, और ये ऑल इंडिया राइड के पीछे जो है रीज़न, हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना और भी ये इसको पहचान देना, एक अगला कदम लेना हमारे कम्युनिटी के लिए। तो काफ़ी सारे जो है मेरा मॉडिफिकेशन चल रहा है इस गाड़ी में, तो ये मॉडिफिकेशन के सिलसिला में अभी यहाँ पे छोटा सा और एक मॉडिफिकेशन, जो कि ऑल इंडिया राइड लगभग 60 से लेके 70 डेज का होगा, इसीलिए यहाँ पे कुछ और मॉडिफिकेशन ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं आया हूँ। और मेरा दोस्त का दुकान यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, सुभाष अमंग उसका नाम है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। और मैं जैसे कि प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे एक इंडियन फ्लैग होल्डर में बनाऊँ, जो कि मैं एक पाइप दे के बनाऊँगा, और उसके साथ में यहाँ पे एक प्लेट लगाऊँगा, जिसके ऊपर मैं अपना जो है जो बन रहा है डिज़ाइनिंग, जो कि ऑल इंडिया राइड जो भी होगा, यहाँ पे मैं ऐसे करके चिपकाऊँगा, ठीक है, या फ्लेक्स होगा या स्टिकर होगा, ये चिपकाऊँगा। तो उसके लिए जो प्लेट रहेगा, यहाँ से आएगा दो रॉड और यहाँ पर जाएगा पूरा एकदम, यहाँ से प्लेट आएगा, ठीक है। तो ये जो ऑल इंडिया राइड का प्रिपरेशन पूरा एकदम फुल ऑन चालू है, अभी और भी काफ़ी सारा मुझे प्रिपरेशन करवाना है, वो सब आप लोग को ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और ये होने के बाद में ना, इसको रात के समय में मैं पेंट भी करवाऊंगा, ब्लैक कलर से पेंट भी कराऊंगा, और उसके साथ में दूसरा और भी मॉडिफिकेशन होगा पूरा। यहाँ पे जो पहले वाला वाइजर था, वह विंडशील्ड वो लगाऊंगा, उसके साथ में इधर पे बहुत सारे स्टिकर बहुत सारा आएगा, और ये देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया से लग रहा है। तो और भी बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया मॉडिफिकेशन होगा, और पूरा ये जो ब्लॉग है कंटिन्यूस आएगा, एपिसोड काफ़ी बढ़िया बढ़िया आने वाला है। सो गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल वाले आइकन को भी दबाना ना भूलें, और बने रहे ब्लॉग्स पे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉडिफिकेशन। गाइस, ये फ्लैग होल्डर का मेरा यहाँ पे सेटअप रेडी हो रहा है, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लैग होल्डर का सेटअप कुछ इस तरीके से बन रहा है। केरा केरा बनाऊं बस वाला है अंजन बोले तो यार इतना बोलता नहीं है, नहीं बोलते कर इतना बोलता नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये पूरा बनेगा, और यहाँ पे क्लेम बनाया है, ताकि इसमें भी सपोर्ट मिले, इसको भी सपोर्ट मिले, और इसी को यहाँ से मैं एक सपोर्ट देने वाला हूँ, यहाँ से एक रॉड यहाँ पे जाएगा, एक सपोर्ट देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लेम के साथ में ये जो एक सौ दिखा ना, मोर रखेगा फोन ही कीजिए ना, उसको अंदर मैं फोन ही था। यो रोड को 50 रुपये मांगते थे, यो रोड को मतलब फोन ही 50 रुपये मांगते थे। तो गाइस, मेरा ये जो फ्लैग होल्डर है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है यहाँ पे, तो टाइट करने का काम चल रहा है। देखिए इस तरीके से जो क्लेम बना के फिट किया हूँ, और यहाँ पे डायरेक्टली फ्लैग में इंसर्ट कर सकता हूँ, और साथ ही में यहाँ पे वेल्ड भी होगा, ताकि इसको भी सपोर्ट मिले, और साथ ही में यहाँ से वहाँ तक एक रॉड जाएगा, यानी कि ऐसे क्लेम जाएगा, ठीक है। तो ताकि इसको भी ये टॉप बॉक्स जिसके ऊपर है उसको भी थोड़ा सपोर्ट मिले, क्योंकि लॉन्ग जर्नी है, तो सपोर्ट
मिलना ज़रूरी है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम अपने काम को अंजाम देते हुए सुभाष जी देखिए पूरा सीरियसली वो अपने काम पे ध्यान दे रहे। तो बने रहिए गाइस। और ये जो है ना काफ़ी लंबा टूर होगा, इसीलिए इतना सारा मेहनत करना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं पड़ता। तो गाइस अभी जो है ना मेरा टॉप बॉक्स जो है मैं निकाल के रख दिया हूँ, और यहाँ पे जो है टॉप बॉक्स के लिए सपोर्ट इस तरीके से कुछ हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। और आइडिया लगाते हुए काफ़ी बढ़िया से सुभाष जी हमारा काम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्लेम इसलिए बनाया है कि ताकि अगर मैं ये मोटर गार्ड सॉरी ये जो बॉडी गार्ड है इसको सिर्फ निकालूँ तो इसको निकालना ना पड़े, या तो इसको जब निकालूँ तब फिर इसको निकालना ना पड़े, इसीलिए यहाँ पे क्लेम वगैरह सिस्टम किया हूँ, ठीक है। और सपोर्ट भी मिलता रहे। तो देखिए फाइनल लुक भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बने रहिए ब्लॉग पे। तो गाइस दूसरे तरफ के लिए फ्लैग होल्डर रेडी हो रहा है यहाँ पे विथ क्लेम, सेम इधर जैसा है वैसे ही इधर भी बनेगा, और जैसा भी हो काफ़ी तगड़ा बनने वाला है ये जो दिख रहे हैं क्लेम के साथ में काफ़ी तगड़ा बन रहा है। अलग तला था बहुत ये अलग छोड़ो ये जा कर गाइस मेरा फ्लैग होल्डर और ये जो ये ट्रे के लिए जो है ना गाइस मेरा फ्लैग होल्डर और ये ट्रे के लिए सपोर्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे इस तरीके से जो मेटल सीट यहाँ पे रहेगा, अब कितना ये मेजरमेंट चल रहा है और इधर पे उसके लिए यहाँ पे रॉड और रॉड का प्रिपरेशन चल रहा है, तो यहाँ से लगभग यहाँ तक से स्टार्ट होगा मेटल लगभग कितना तक आएगा, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जो मैसेज मेरा रहेगा यहाँ पे रहेगा, तो देखने में शायद अच्छा ही लगेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कैसा क्या होता है। तो आई होप आप लोग ये ब्लॉग इंजॉय कर रहे हैं, ये वीडियो इंजॉय कर रहे हैं, और आप लोग ना सपोर्ट कीजिएगा इस फेसबुक इंस्टाग्राम और जितना भी गोरखा यूट्यूबर है आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। और गाइस मेरा हिंदी में कन्वर्सेशन हिंदी में जो ब्लॉग शूट करने का मोटिव यही है कि अगर मैं साउथ में जाऊँगा तो वहाँ मेरा जो है मैसेज जो है वहाँ पे अच्छे तरीके से दे पाऊँ क्लियरली दे पाऊँ, इसीलिए मैं हिंदी में शूट कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। और सबै जना मतलब गोरखा जति पनि ब्लगर हुनुहुन्छ जति पनि यूट्यूबर हुनुहुन्छ प्लीज सपोर्ट गर्नुस् मलाई, ताकि मेरो जुन चाहिँ मोटिभ रहेको छ मेरो जुन चाहिँ यो अल इन्डिया राइडको पछाडिको जुन चाहिँ उद्देश्य रहेको छ त्यो उद्देश्य चाहिँ हरेक गोरखा अगोर्खाको कहाँ पुग्न सकोस्, प्लिज मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् गाइस, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो मेटल सीट रहेगा उस सीट के लिए यहाँ पे रॉड फिक्स हो रहा है, और देखिए कैसा लगता है आप बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। और फाइनली गाइस मेरा जो प्लेट रहेगा ना वो प्लेट का भी डिज़ाइन रेडी हो चुका है, और यहाँ पे देखिए बन रहा है, और छोटा सा टाँका मार के दिखाएँगे डिज़ाइन कैसा। और ये देखिए मेरा ऐसा कुछ रहेगा ते भी त्राल दे रहा ना और गाइस कुछ इस तरीके से देख रहा है हमारा स्कूटी, जो कि स्कूटी का नामकरण जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे टॉप बॉक्स आएगा और उसके बाद में ये जो प्लेट, ठीक है, यहाँ पे रहेगा जो मेरा ऑल इंडिया राइड करने का मकसद क्या है उद्देश्य क्या है ये यहाँ पे रिटर्न रहेगा, वो स्टिकर होगा या तो फ्लेक्स होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि आज डिज़ाइन रेडी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट
सब कुछ रेडी हो चुका है, अब बस वेल्डिंग करना बाकी है, इसको सब ज्वाइन करना है। और इसके बाद में फिर आज रात को मैं ये पेंट भी करूँगा ताकि कल सुबह तक ये सूख जाए पेंट, ठीक है, सब ड्राई हो जाए। और कल जो है स्टिकरिंग का काम चलेगा यहाँ पे पूरा। और परसों जो है ना गाइस, कल यानी कि बुधवार, ठीक है, बुधवार जो कि आज जो है कौन सा पति तारीख आज 26-27 हो रहा है, छब्बीस, तो आज जो है मंगलवार यानी कि 26 तारीख है, ठीक है, तो ये सारा कंप्लीट करना है। और सो यहाँ पे मेरा जो कि है सेटअप जो है रेडी हो चुका है और काफ़ी बढ़िया बनाया है। सुभाष जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और सोनिका है। हाँ तो गाइस जो मेरा एरिया ही पड़ता है ये, ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था एक यहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर खुला हुआ है, तो ये कोलाबाड़ी मोड़ जो कि हमारे एरिया निरपानिया बस्ती कोलाबाड़ी मोड़ जबड़ा मोड़, ये कोलाबाड़ी मोड़ में सोनिका ग्रिल हाउस है जिसका ओनर का नाम है सुभाष, जो कि सुभाष तमंग, वो मेरे क्लासमेट है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया तरीके से किया, शायद दूसरे लोग होता तो इतना मेहनत भी नहीं करते, इतना टाइम भी नहीं देते, लेकिन दोस्त होने की फ़ायदा भी यही है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी को मैं कहना चाहूँगा, थैंक यू सुभाष जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? कहना क्या चाहिए, अभी सभी दोस्तों हमारे दोस्त को सपोर्ट करें, फॉलो करें है, फिर इसको लाइक करें सभी दोस्तों। अभी वो जा रहे जो जिस काम का ऑल इंडिया राइड के लिए जा रहे, सभी दोस्तों उनको सपोर्ट करें, बस यही चाहता हूँ मैं, बस यही कहता हूँ। थैंक यू सुभाष जी। तो दोस्तों जैसे कि ये वाले ब्लॉग में मैं बस यही दिखाऊंगा और अंतिम जो है स्टेप यहाँ का टॉप बॉक्स फिट करना है, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा, टॉप बॉक्स फिट करना है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला जो वीडियो है स्पेशली ऑल इंडिया राइड मॉडिफिकेशन का, कैसा लगा आप लोग को? अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और ये वाला जो और भी नेक्स्ट वीडियो होगा ना, काफ़ी बढ़िया होगा, क्योंकि और बहुत ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन होने वाला है, बहुत सारा मॉडिफिकेशन होने वाला है। तो बने रहे ब्लॉग पे, बने रहे चैनल पे, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल वाले आइकन को भी दबाना ना भूले। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले गाइस। सो अभी के लिए इतना ही, ये वाले वीडियो यहीं पर इन करते। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, थैंक यू वेरी मच गाइस। का मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, अब मेरे पीछे देख सकते हैं आप, मेरा स्कूटी का जो है लुक्स ही चेंज हो चुका है और पीछे वाले लुक्स जो है ना काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक प्लेट जो है यहाँ पे आएगा और साथ में देखिए टॉप बॉक्स भी लग चुका है और सपोर्ट काफ़ी बढ़िया हुआ है यहाँ पे, आप जितना भी हाथ दे दें यहाँ पे पूरा एकदम तगड़ा हुआ है इसका पूरा, आप देखिए पूरा स्कूटी हिल रहा है, लेकिन ये टॉप बॉक्स भी नहीं हिल रहा है और ये भी नहीं हिल रहा है, ठीक है, काफ़ी बढ़िया काम हुआ है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कोलावाड़ी मोड़ में सोनिका ग्रिल हाउस सुभाष जी है यहाँ पे, ठीक है, नंबर भी मैं कांटेक्ट में दे दूंगा, अगल बगल का जितना भी है आप काम करवा लीजिए, ठीक है। और ये टॉप बॉक्स पूरा रेडी हो चुका है, तो अभी निकलता हूँ गाइस यहाँ से और दूसरा मॉडिफिकेशन वाले अगले वाले वीडियो में आएगा। सो तब तक के लिए बने रहे चैनल पर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले गाइस। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, थैंक यू वेरी मच।